हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आइए, आज मैं बना रही हूँ मूली गाजर और गोभी का अचार। जैसे कि सर्दियाँ आ गई हैं, तो सर्दियों में गाजर मूली गोभी खूब अच्छे से खूब आ रही है सब्ज़ी मंडी में। तो सभी लोग खाते हैं अचार और पसंद भी सब करते हैं, बच्चे बड़े सभी और पसंद करते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ गाजर मूली का अचार। तो देखिए, मैं ये गाजर लाई थी, 300-400 ग्राम करीब गाजर हैं, और गाजरों को मैंने अच्छे से साफ़ करके और काट लिया था इनको, और थोड़ा कल सुखाने के लिए भी डाल दिया था, धूप लगवा दिए, क्योंकि गाजर मूली पानी छोड़ती है, तो इसीलिए मैंने कल धूप में सुखा लिया था। इतनी ही मूली है और एक फूल जो इतना बड़ा जो गोभी का आता है, एक पाव करीब, जैसे कि 250-300 ग्राम का, तो वो मैंने एक पाव गोभी का फूल लिया है, और इसमें गोभी भी मिक्स करूँगी। तो मैंने इन सबको अच्छे से धो के कल सुखा लिया था, तो थोड़ा सा इनका पानी भी निकल गया, और आज मैं ये अचार बना रही हूँ। तो देखिए, गाजर मूली गोभी का अचार बनाने के लिए किन किन मसालों का यूज़ करना है। तो ये मैंने ली है राई, राई को मैंने पीस लिया है, 3-4 चम्मच राई है, सौंफ भी इतनी है, 3-4 चम्मच इसको भी मैंने पीस लिया है। ये लिया है मैंने अजवाइन, काला नमक और जीरा, इसका पीस के पाउडर बना लिया, इसी में ही मिक्स कर दिए 1/4 चम्मच। ये मैंने 1 चम्मच हल्दी लिया है, ये है 1 चम्मच अमचूर पाउडर, और ये है 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, और ये है नमक है ये 2 चम्मच करीब। तो नमक को मुझे स्वाद अनुसार डालना है, कितना यूज करना है तो उस हिसाब से डाल। ये लिया है मैंने आधा कटोरी से ऊपर तेल है, तेल को अच्छे से मैंने बॉईल कर लिया है, क्योंकि कच्चा तेल अचार में कभी नहीं डाला जाता, अचार ख़राब हो जाता है, तो मैंने इसे अच्छे से बॉईल कर लिया है। और ये एक कटोरी पूरा नहीं है, आधा कटोरी से ऊपर है। तो कितना तेल यूज़ करना है, क्योंकि अचार को तेल में इसे डुबोना नहीं होता, आम का अचार डुबोना होता है, तो ये गाजर मूली में इतना तेल का यूज़ नहीं होता। तो मैं देखती हूँ मुझे कितना यूज़ करना है। तो देखिए, सबसे पहले अचार बनाने के लिए मैंने एक छोटे साइज़ की ले ली है परात। अब परात में मैं ये सारी अपनी गाजर मूली गोभी कटी हुई सारी यहाँ पर हम डाल देंगे, और डाल के इसमें हम डालेंगे मसाला। नमक मैं अभी थोड़ा डाल रही हूँ, थोड़ा बचा ले रही हूँ, मैं बाद में देख लूँगी, अगर कम लगेगा तो मैं दोबारा से डाल दूँगी, और बाकी ये सारे मसाले हम इसमें डाल दूँगी, और इनको अच्छे से हाथ से मिक्स कर देंगे, क्योंकि चम्मच या चमचे से अच्छे से मसाले मिक्स नहीं होते, तो हाथ से मिक्स कर देंगे। तो मसाले को तो हमने इसमें डाल दिया है, और इसे अच्छे से मिक्स भी कर दिया। अभी सूखा है ये मसाला, इसीलिए ये सारा नीचे जाके इकट्ठा हो गया है। अब इसमें हम तेल ऐड करेंगे, पहले इसमें तेल डालेंगे, मैं थोड़ा बचा लिया है, अब अच्छे से तेल को भी मिक्स कर देंगे। तो देखिए, मैंने तेल को भी अच्छे से और मसाले को भी गाजर मूली गोभी में मिक्स कर दिया है। और वैसे इसमें अचार में ज़्यादा तेल का यूज नहीं होता है, क्योंकि इसको थोड़ा भिगोना होता है बस। तो अच्छी तरह से तेल भी मिक्स कर दिया है, अब नमक हम टेस्ट कर लेंगे। तो क्योंकि नमक से तो सब्ज़ी हो गई या अचार हो गया, कोई भी चीज़ हो गई, उसमें स्वाद आता है, बगैर नमक के तो किसी चीज़ में स्वाद ही नहीं आता। तो देखिए, मैंने सारे मसालों को तेल को अच्छे से मिक्स कर दिया है, और मैंने जो है नमक भी टेस्ट कर लिया है, तो नमक भी इसमें एकदम सही है, सारे मसाले एकदम परफेक्ट हैं, और मेरा थोड़ा सा तेल बचा हुआ है, तो मैं इस तेल को नहीं डालूंगी, क्योंकि चिकनाई तो जितनी कम खाओ उतना ही ठीक है। अचार के हिसाब से मैंने कर दिया, थोड़ा सा मेरा नमक भी बचा हुआ है, मैंने 2 चम्मच करीब लिया था, तो ये भी नहीं मैंने डाला है, क्योंकि मेरी अजवाइन और जीरा और काला नमक और हींग वाला जो पाउडर था उसमें भी नमक था, इसलिए मैंने हिसाब से डाला है। तो देखिए दोस्तों, मेरा गाजर मूली गोभी का अचार बनके तैयार है, और मैं ये अचार सारा एक ही कांच का बाउल है इसमें भर के रख दूँगी, क्योंकि अचार को हमेशा कोई भी कांच का डब्बा हो एयर टाइट उसमें भर के रखना चाहिए, क्योंकि अचार कभी ख़राब नहीं होता। और ये तो वैसे भी ज़्यादा नहीं है, तो मतलब डेली यूज में भी हम खा लेंगे, जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा, और लगता भी बहुत टेस्टी है। पूरी पराठे किसी के भी साथ खाइए आप। और आपको मेरी अचार बनाने की वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू, बाय बाय।